बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी के इमेज पे इतने डेंट लग चुके हैं कि शायद मुस्तकबिल में कई साल गुजर जाएंगे उसके बाद भी लोगों के जहन में से ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी कि मुनव्वर फारूकी मासूम था या बहुत चालाक था। बिग बॉस में एंट्री होने के बाद मुनव्वर फारूकी कुछ समय तक तो चर्चा में ज़रूर रहे, लेकिन उसके बाद आयशा खान के एंट्री के साथ ही कई सारी चीज़ों को एक्सपोज करके रख दिया गया। हालांकि मुनव्वर फारूकी ने इस रियलिटी शो में एक चीज़ और भी रिवील की, जिसमें मुनव्वर फारूकी ने कहा कि 1.5 साल तक वो अपनी जो बीवी है उनके साथ रहे, उसके बाद उन दोनों के बीच में क्लैशेस पैदा हो गए और फिर ये मामला कोर्ट में चला गया। इस पर ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बेटा भी है मुनव्वर फारूकी का, ये इतला मिल रही है। और हालांकि अब मुनव्वर फारूकी उसके लिए कभी कभी अपनी जो एक्स वाइफ है उनसे बात भी करते हैं। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस में तो ज़रूर एक अच्छे कंटेस्टेंट बनकर आए थे, लेकिन अब बिग बॉस में उनके अमेज की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अब जो मुनव्वर फारूकी को पसंद करते थे वो भी मुनव्वर फारूकी से नफरत करना शुरू कर चुके हैं। ऐसा महसूस होता है कि एक दुगला इंसान है जिसके दो मुंह हैं, एक मुंह पीठ के पीछे और एक मुंह पीठ के सामने। पीठ पीछे वाला मुंह जो है वो सिर्फ लोगों के साथ साथ अपनों की तरफदारी नहीं बल्कि उनके खिलाफ बोलने में लगा हुआ है, और मुंह के सामने वाला जो मुंह है वो सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए और अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया और बिग बॉस के अंदर एक नया रोल प्ले कर रहा है। मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडियन थे और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए लॉकअप में जाने के बाद। हालांकि जब उनकी शायरियाँ सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुई तो कई सारे लोगों ने उन्हें फॉलो करना भी शुरू किया, लेकिन आज जब वो चीज़ें रिवील हो रही हैं कि मुनव्वर फारूकी एक दुगला इंसान है, मुँह पर कुछ, पीठ पीछे कुछ, गेम को गेम समझ के नहीं खेल रहा बल्कि गेम को जो है वो अपने लाइफ कैरियर के साथ जोड़कर खेलने की कोशिश कर रहा है। आयशा खान ने एक्सपोज किया, नज़ीला ने जो है वो इनके खिलाफ कई सारी सोशल मीडिया पे बातें की। इतना ही नहीं बल्कि अभी 3 से 4 और भी लड़कियां मुनव्वर फारूकी के खिलाफ इल्ज़ामात आयद कर रही हैं, जिनका मानना है कि मुनव्वर फारूकी ने उन्हें भी डिच किया है इसी तरीके से वादे करके। मुनव्वर फारूकी एक तरफ से कहते हैं कि वो नज़ीला को छोड़ चुके हैं, दूसरी तरफ से बिग बॉस के घर में आके कहते हैं कि वो अभी भी उन्हें स्टिल मिस कर रहे हैं। आयशा खान कहती हैं कि उन्हें प्रपोज किया गया था और अब वो मानती कि ये सारा एक फेक ड्रामा था जो वो क्रिएट कर रहे हैं। अब बिग बॉस में मनारा के साथ भी जो है वो जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब विक्टिम कार्ड उनके काम नहीं आ रहा है, शायद इसीलिए वो दिमाग से ये गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी के दुश्मन सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और दोस्त बहुत कम साबित हो रहे हैं। मुनव्वर फारूकी शुरुआती दौर में बिग बॉस में एक अच्छा कंटेस्टेंट था और जो अनुराग के साथ साथ बाकी तमाम कंटेस्टेंट्स को भी टक्कर दे सकता था, लेकिन अब मुनव्वर फारूकी की फ़ैन फॉलोइंग और फ़ैन बेस उनसे नफरत करना शुरू कर चुकी है। रीज़न ये बताया जा रहा है कि एक झूठा मक्कार सा इंसान है जो शायद सच को सामने लाना नहीं चाहता है और हकीकत को बयां नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि बिग बॉस के अंदर मुनव्वर फारूकी को अब देखना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, हालांकि उनकी बातों पर विश्वास करना भी बहुत कम पसंद करते हैं। मुनव्वर फारूकी के कई सारे फैंस जो उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं, उन सब लोगों का भी यह मानना है कि मुनव्वर फारूकी शायद अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। गेम तो बदल चुकी है लेकिन उसके साथ साथ वो खुद को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जिसके वजह से मुनव्वर फारूकी दिन प्रतिदिन बिग बॉस में अपना मयार या मुकाम बनाने में नाकामयाब दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय रहती है आप भी ज़रूर कमेंट करके बताएं।